अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और यकीनन आपको पसंद आएगी जिस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पैन लिया है, ठीक है जनाब। इसमें हम दूध ऐड करेंगे, एक लीटर, और उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है तकरीबन, ये है जी 1/4 कप शुगर है, वो हम इसमें राइट अवे डाल देंगे ताकि ये दूध के साथ पक जाए। और इसमें जो जाएंगी ये 3 जो है सब्ज़ इलायची, वो भी हम साथ ही डाल देंगे, ठीक है जी। और इसमें और जो चीज़ें जाएंगी वो है ये बादाम, हमने क्रश कर लेंगे, और ये दूसरे थोड़े ये हम दूध के अंदर डालेंगे और ये डेकोरेशन के लिए हैं, ठीक है जी। और ये हमारा पिस्ता है, इसको भी हम वो कर लेंगे, क्रश कर लेंगे और इसको भी डेकोरेशन में भी डालेंगे थोड़ा, और थोड़ा मिल्क में भी ऐड करेंगे, ठीक है जनाब। और इसमें जाएगी ये थोड़ी सी ज़ाफ़रान जितनी ज़रूरी है, ठीक है जी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है जी ये खोया, ठीक है जी। ये 1 पाव खोया है, ये हमने होममेड खोया बनाया हुआ, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। ये हमारा मिल्क है, ये जब उबल जाएगा फिर हम इसको, जब पकने लगेगा फिर हम इसमें इसको ऐड करेंगे, ठीक है जी। और एक हमने ये लिया है वाइट ब्रेड, ठीक है जी। ये हमारी सारी चीज़ें हैं और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जनाब। चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम दूध को रखेंगे स्टोव के ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको उबालेंगे, ठीक है जी। और फिर इसको जो हमने इसके अंदर शुगर साथ ही ऐड कर देते हैं दूध के, अगर आपको कम लगेगा, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप फिर उसके हिसाब से बनाइए, हम जितना यूज़ करते हैं हमने उतना डाला है, ठीक है जी। क्योंकि सब ब्रेड में भी मीठी होती है तो उसमें ज़्यादा हो जाता है फिर डलते ना, तो इसलिए हर चीज़ एक हिसाब से डाल दें ताकि अपनी जो हम घर में बनाते हैं तो हमारे टेस्ट के मुताबिक बन के रेडी हो जाए। तो ये हमने 1 लीटर दूध लिया था और 1 पाव हमने लिया है खोया, ठीक है जी। अब ये अच्छे से उबल जाएगा तब फिर हम इसके अंदर खोया और जो बादाम हमने क्रश किया है, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा ज़ाफ़रान हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम अपनी ब्रेड के जो है किनारे क्लीन करेंगे और फिर उनको जैसे जैसे बनाना है वैसे आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो जी, अभी जो है ब्रेड के हम जो किनारे हैं वो क्लीन करेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से। सारी ब्रेड को हम इस तरीके से कर लेंगे। और इसको हम जब ब्राउन करेंगे तो हम इसको ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, ठीक है। इसमें हम जो है हम ये वाला पीस भी यूज करेंगे, ठीक है जी। इसको हम देसी घी में फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे साथ साथ।
इस तरीके से देख। ये बहुत मजे की और बहुत हेल्थी बनती है। आप इसको इस शेप में भी काट सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरीके से ये फोर हिस्से भी कर सकते हैं इस तरीके से, और आप इसको दो हिस्सों में भी काट सकते हैं। ये आपकी चॉइस है आपने कैसे काटने। यहाँ पे हमने पूरी एक ब्रेड ली है और उसके हमने ये कर ली है क्लीन, ठीक है जी। अब इनको हम फ्राई करेंगे और इनको काटेंगे कौन सी शेप में काटना है, ठीक है जी। जब फ्राई करेंगे तो फिर आप देख लें अगर जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी, ये उबल गया है। अब यहाँ हम इसमें तकरीबन एक चुटकी के बराबर जो है ज़ैफ़रान ऐड कर देंगे। हमने इसमें चीनी भी डाल दी है, ठीक है जी। इसके अंदर शुगर ऐड कर चुके हैं और ये इसमें हमने ज़ैफ़रान भी डाल दिए। हमें ज़्यादा जो है येलो नहीं चाहिए। और ये फिर अभी डाली हमने थोड़ी देर पक के ये और अपना कलर चेंज कर लेगी। ये देखो क्योंकि अभी डाली है, जब पकेगी तो और कलर चेंज कर लेगी, ठीक है जी। ये हमारा दूध अच्छे से उबल गया, बहुत अच्छे से उबल गया। और अब हम इसमें नून सा है वो खोया ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये हमने सारा इसमें डाल देना, ठीक है जी। इसको खोया भी हमने डाला, फ्रिज में रखा हुआ था, तो अब ये इसके साथ ही पक के रेडी हो जाएगा। ये देखते हैं, हमने खोया भी डाल दिया है। अब यहाँ पे डाल देंगे बादाम और पिस्ते भी डाल देंगे, ठीक है। ये वाले बादाम डालेंगे इसमें और ये हमने पिस्ते को ग्राउंड कर लिया है। तकरीबन हम इसमें दो से हैं एक चम्मच और तकरीबन ये दो चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, बाकी हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे। और आप हम इसे थोड़ा पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और बाद में हम जो सा अपने जो डबल रोटी के पीस हैं तो उनको हम जो सा
फ्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाना है। तो ये बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से आप बनाएंगे तो। ठीक है जी, इसमें हमने जो सी है मेवा भी डाल दिए हैं और वो भी इतने ही डालिए, आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दीजिए। खोया हमने एक पाव डाला है, दूध हमने एक लीटर लिया था। ठीक है जी, और अब ये मज़ीद पकता रहेगा। अब हम आपको दिखाएंगे जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए जनाब, यहाँ पे मिल्क हमारा स्टिल पक रहा है और काफ़ी हद तक नीचे हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया, लेकिन ये ठंडा होके और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है जी, और ये फिर हम इसको डालेंगे इस पे जो हमारे अपने ब्रेड है, थोड़ा ये और गाढ़ा हो जाए तो। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो ऑप्शनल है। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें हम 2 से 3 चम्मच के जो है केवड़ा एसेंस डालेंगे। ठीक है जी, जो केवड़ा होता है तो वो इसमें ऐड करेंगे ठंडा होने के बाद। अभी नहीं तो आपको दिखाएंगे जब हम ये अपने ब्रेड पे डालना शुरू करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, ये देखना खोया बिल्कुल मेल्ट हो गया इसमें और ये कलर देखने कितना अच्छा आया। हमने एक चुटकी डाला था ज़ाफ़रान और कितना अच्छा कलर हो गया इसका। ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो फिर हम इसको उतार के एक साइड पे रख देंगे और फिर अपने ब्रेड बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा अब ये देख लें इसको, जब ये उसको उबाला रहे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है तो और थोड़ा हो जाए ठंडा होके ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए बस हमें थोड़ा सा और पकाना है। तकरीबन 8-10 मिनट और पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए जनाब, ये यहाँ पे ये गाढ़ा हो गया, हमें इतना ही चाहिए। ठीक है जी, खोया इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गया क्योंकि जब हम इसको ब्रेड के ऊपर डालेंगे तो ये ब्रेड सारा जज़ब कर लेगी और जो ये ठंडा होकर जो गाढ़ा होगा तो ये अपना अलग ही एक टेस्ट देगा। ठीक है जी, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, इतनी देर ये ठंडा होगा, इतनी देर हम जो है ब्रेड फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, रख लेंगे इसके ऊपर और हम ब्रेड फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखो यहाँ पे जो मिल्क है वो ठंडा हो जाएगा, ये हमारा जैसे ये इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे ज़्यादा, हमने डीप फ्राई नहीं करनी है। ठीक है जी, तरीके से ये जो हमारे लास्ट वाले पीस होते हैं हमने वो भी ले लिए हैं। ये देखिए तरीके से करना, बस हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो घी इसके ऊपर ऐड करते जाना इस तरीके से और इनको करते जाना। ठीक है जी, तब के चलिए
बस ज्यादा जलाना वो नहीं हो, लाल ना हो जाए ज्यादा, ठीक है जी। ये देखें हमने ये थोड़ा थोड़ा डाला है, फिर भी इसमें अच्छा खासा पहुंच गया, तो ज्यादा नहीं डालना जिससे कि खाने में जो है हमें अच्छे ना लगे, ठीक है जी। ये हम इसको साथ साथ में खाते जाएंगे। चलो जी ये देख लीजिए, हमने इस तरीके से भी काटे हैं और हमने ये इस तरीके से भी एक में से चार करके भी बनाए हैं, ठीक है जी। ये हम इसके अंदर भी रखेंगे इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है जी, ये इस तरीके से, ये देख लो, ठीक है जी। अब हम इसमें जो है मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमारा हल्का गर्म है, हमने ज्यादा ठंडा नहीं करना था क्योंकि इसके अंदर हम मिल्क ऐड करके इसको रेडी करके तो हमने इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये मजे का हो जाए, ठीक है जी। इसमें हम ये केवड़ा एसेंस तकरीबन एक चम्मच है वो ऐड करेंगे और क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट भी जोन सा है, बादाम हमने दरदरे डाले थे और जो हमने पिस्ता है वो हमने पीस के डाला है। ये देख ले ये और ठंडा हो जाएगा और सारा ये जल्दी कर देंगे ब्रेड इसमें, तो ये हम इसके ऊपर अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है जी। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे, तो ये हमारी है शाही टुकड़े की रेसिपी। ज्यादातर हम जो डिश है जो अभी आपको बड़ी डिश दिखाई है हम उसमें डालते हैं, लेकिन ये देखें ये सारा इसमें जज़ब हो जाएगा दूध। अब हम इसमें ओनी ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये देखें इसको देखो फिल कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है ये थोड़ा थोड़ा सा जो है पिस्ता ऐड करेंगे, ठीक है जी मैम। ये फूल के ये देख लें सारा एक दूसरे के ऊपर आ गया, ये देख लें, ठीक है जी। ये हम इसके ऊपर पिस्ता ऐड करेंगे
और ये हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े जो है बादाम ऐड करेंगे, ठीक है जी। और ये जो है चुटकी भर थोड़ी सी इसके ऊपर हम ज़ाफ़रान डाल देंगे, ठीक है जनाब। तो ये जो है हमारी अभी थोड़ी देर के बाद ये ठंडी होगी, ठीक है जी। ये देख लें क्यों कि हमारी जो ये डिश है ये बहुत मज़े की बन के रेडी होगी। जब आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा जनाब, ठीक है जी। हम जो सा ये सारा इसमें ऐसे करके ऐड कर देंगे। ये तो हो गई हमारी प्लेट, ठीक है जी। अब हम दूसरी डिश में आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। बाकी जो है ये जो मिल्क है इस तरह की डिश में हम बनाते हैं इसको और फिर इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, ठीक है जी। आप किसी भी तरतीब से डबल रोटी को रख लीजिए, जो आपको अच्छी लगे। सारा मिल्क हम इसमें डाल देंगे क्योंकि जितनी गहरी होगी उतना ही ये मज़े का बन के रेडी होगा, ठीक है जी। ये देखिए सारा मिल्क इसमें चला गया और ये इसको सोख लेगा सारा। अब ये जो उनसे पिसते हैं ये सारे इस पर डाल देंगे हम, ठीक है जी। तो ये हमारी शाही टुकड़े की बहुत मज़े की रेसिपी बन के रेडी है, बहुत हेल्थी है और बहुत मज़े की है। ये हम बादाम इस पर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। हमने बीच में भी डाल दिए थे और हम इसके ऊपर भी ऐड कर रहे हैं। और ये हमारी है ज़ाफ़रान जो हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए देखें, आप देख रहे हैं कि अभी हमने दूध डाल के छोड़ा है तो ये सारा इसने जज़ब कर लिया है, तो फिर ये ऐसे ही रेडी हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ठीक है जनाब, ये हमने फ्रिज में रख दिए थे, ठंडे हुए हैं, ठीक है जी। दोनों देख लीजिए और ये देख लीजिए इसमें ये मिल्क जो है ये देख लें और इसमें सारे में चला गया, ठीक है जी। और इसको भी ये देखें, ठीक है जनाब, ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए आराम से इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आराम से टूट जाए, ठीक है जी। तो जनाब ये बनाइए हेल्थी, खाइए हेल्थी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।